सेंट्रल रेलवे ने एक बार फिर नवरात्रि शुरू होने से ठीक पहले 42 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। बिलासपुर डिवीजन में फोर्थ लाइन कनेक्टिविटी का कार्य चलने के कारण यह निर्णय लिया गया है। ये सभी ट्रेनें 21 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कैंसिल रहेगी। 26 सितंबर से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है, ऐसे में बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जाने वाले यात्रियों को इन ट्रेनों के रद्द होने से भारी परेशानी होगी। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में नवरात्रि पर माता दुर्गा की पूजा धूमधाम से की जाती है। इसके लिए महीनों पहले से लोग रेलवे में आरक्षण कराते हैं। हालांकि इससे पहले भी गणेश उत्सव और रक्षाबंधन आदि त्योहारों के समय में भी ट्रेनों को रद्द किया गया है। हैरानी की बात है कि अधिकांश ट्रेनें 21 सितंबर से कैंसिल की गई है और रेलवे की तरफ से इसी दिन सूचना भी जारी की गई। सेंट्रल रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार हावड़ा पुणे, हावड़ा सीएसएमटी, कोलकाता शालीमार एलटीटी एक्सप्रेस 21 सितंबर से 28 सितंबर तक कैंसिल रहेगी। हावड़ा सीएसएमटी 22 सितंबर से 29 सितंबर तक नहीं चलेगी। इसी प्रकार हावड़ा सीएसएमटी दुरंतो 23, 26, 27 और 28 सितंबर को रद्द रहेगी। संभवतः ऐसी ही स्थिति अन्य ट्रेनों की भी रहने वाली है, जिसके चलते ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को आगामी दिनों में मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ेगा। बिलासपुर मंडल में रायगढ़ झारसुगुड़ा में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य चल रहा है, जिसके चलते मध्य रेलवे नागपुर मंडल अंतर्गत आने वाली 42 गाड़ियां आगामी 10 दिन तक रद्द रहेगी। हालांकि नवरात्रि से ठीक पहले ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को असुविधा जरूर हुई है, जिसके चलते आगामी 10 दिनों तक यही स्थिति रहने की आशंका रेलवे ने व्यक्त की है।